फरिश्ता। कुरान पाक और रसूल 23 की हदीसों ने जो कुछ हमको बताया हूँ उसका हासिल यह है कि हमको न फरिश्ता की तख्लीकी हकीकत बताई गई है और न वे हमको नजर आते हैं। अलबत्ता हमारे लिए यह यकीन व एतकाद जरूरी करार दिया गया है कि हम उनके वजूद को मान लें और उनको मुस्तकिल मल्लूक जानें। जिन्न इसी तरह जिन्न भी अल्लाह ताला की मुस्तकिल मखलूक हैं, जिनकी पैदाइश की हकीकत को हम पूरी तरह नहीं जानते और न आम इंसानी आबादी की तरह वे हमको नजर नहीं आते हैं। लेकिन कुरान हकीम ने जो तफसील इस मखतूब के बारे में बताई है वह हमारे लिए जरूरी करार देती है कि हम यह एतकाद और यकीन रखें कि वे भी इंसान की तरह मुस्तकिल मखलूक हैं और उसी की तरह शरीयत पर चलने को मजबूर भी। इनमें पैदा करने और बढ़ने का भी सिलसिला है और इनमें नेक और बद भी हैं। इबलीस या शैतान कुरान मजीद की आयतों से मालूम होता है कि शैतान भी जिन्न ही की नस्ल से है और इबलीस शैतान ने अल्लाह के सामने खुद यह माना कि इसकी तखलीक आग से हुई है। लेखक का इजाफा वाज व नसीहत के अलावा हजरत आदम का किस्सा इसलिए अहम है कि इससे इंसान की तखलीक के मकसद धरती पर उसकी हैसियत और इस हैसियत की रोशनी में उनके अमल और कोशिशों के फैलाव पर रोशनी पड़ती है, जिसका खुलासा यह है। अल्लाह ताला ने धरती पर इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है जो उसकी कुदरत और तसरुफ और अख्तियार को जाहिर करता है और इस हैसियत से उसकी कोशिश और अमल उसके पैदा किए जाने का मकसद है। अल्लाह की खिलाफत का मदार तस्बीह व तहलील के ज्यादा होने और तकदीस व तमजीद पर नहीं बल्कि इनकी सिफत पर है, जिसके बगैर दुनियावी हुकूमत नामुमकिन है। अल्लाह ताला ने इंसान को चीजों का इल्म अता फरमाया है और अपनी सबसे भारी भरकम सिफत इल्म से नवाजा है, जिसका वह पूरी तरह मजहर है। इंसान की फरिश्ते पर बरतरी की वजह इल्म की सिफत है, तस्वीह व तहलील नहीं। किसी ने कहा और क्या खूब कहा है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर व बया। अल्लामा इकबाल के हजरत आदम के जन्नत से रुखसत होने और जमीन पर तशरीफ लाने के मनाजिर को विचार आंख से देखते हुए नज्म कविता में पेश किया है। इन नज्मों को जौक वालों की दिलचस्पी के लिए नीचे लिखा जाता है, फरिश्ते आदम को जन्नत से रुखसत करते हैं, अता हुई है तुझे रोज व शद की बेताबी, खबर नहीं कि तू खाकी है या कि सीमा भी। सुना है खाक से तेरी नमूद है, लेकिन तेरी सरिश्त में है कौक भी व महताबी। जमाल अपना अगर ख्वाब में भी तू देखे हजार, होश से खुशतर तेरी शकर ख्वाबी गरामबा है। तेरा गिरियाए सरगाही इसी से है, तेरे नखते कुहन की शादाबी तेरी नवा से है। बेपर्दा जिंदगी का जमीर की तेरे सांस की फितरत ने की है, मिजराबी रूहे अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। खोल आँख जर्मी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, इस जलवाय बेपर्दा को पर्दों में छुपा देख, अयामे जुदाई के सितम देख, जफा देख बेताब न हो, मा रकाए बीन व रजा देख। है तेरे तसरूफ में ये बादल ये घटाएं, यह गुंबदे अफलाक ये खामोश फ़ज़ाएं, यह कोह यह सहरा यह समुंदर ये हवाएं, थी पेशे नजर कल तो फरिश्तों की अदाएं। आईनाए याम में आज अपनी अदा देख, समझेगा जमाना तेरी आंखों के इशारे, न देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे। नावैद तेरे बहरे तखियुल के किनारे पहुँचेंगे, फलक तक तेरी आँखों के शरारे, तामीरे खुदी कर असरे आहे रसा देख। काबील वहाबी। कुरान मजीद ने हजरत आदम के इन दोनों बेटों का नाम जिक्र नहीं किया, सिर्फ आदम के दो बेटे कहकर मुजमल छोड़ दिया है, अलबत्ता तौरात में उनके नाम बयान किए गए हैं। कुछ रिवायतों में इन दोनों भाइयों में अपनी शादियों से मुतालिक जबरदस्त इख्तिलाफ का जिक्र किया गया है।
इस मामले को खत्म करने के लिए हजरत आदम ने यह फैसला फरमाया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करें, जिसकी कुर्बानी मंजूर हो जाए वही अपने इरादे के पूरा कर लेने का हकदार है। जैसा कि तौरात से मालूम होता है, उस जमाने में कुर्बानी के कुबूल होने का यह इल्हामी तरीका था कि नज़ व कुर्बानी की चीज किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग जाहिर होकर उसको जला देती थी। इस कानून के मुताबिक हाबील ने अपने रेवड़ में से एक बेहतरीन दुम्बा अल्लाह को नज़ किया और काबील ने अपनी खेती के गल्ले में से रद्दी किस्म का गल्ला कुर्बानी के लिए पेश किया। दोनों की अच्छी और बुरी नियतों का अंदाजा इसी अमल से हो गया। इसीलिए दस्तूर के मुताबिक आग ने आकर हाबील की नस को जला दिया और इस तरह कुर्बानी कुबूल होने का शरफ उसके हिस्से में आया। काबील अपनी इस तौहीन को किसी तरह बर्दाश्त न कर सका और उसने गैस वगजब में आकर हाबील से कहा कि मैं तुझको कत्ल किए बगैर न छोड़ूंगा ताकि तू अपनी मुराद को न पहुँच सके। हाबील ने जवाब दिया, मैं तो किसी तरह तुझ पर हाथ न उठाऊंगा, बाकी तेरी जो मर्जी आए वह कर रहा कुर्बानी का मामला, सो अल्लाह के यहाँ नेक नियत ही की नज़र कबूल हो सकती है, वहाँ बद नियत की न धमकी काम आ सकती है और न बेवजह गम व गुस्सा। और इस पर काबील ने गुस्से से बहुत ज्यादा भड़क कर अपने भाई हाबील को मार डाला। कुरान पाक में न शादी से मुताल्लिक इख्तिलाफ का जिक्र है और न इन दोनों के नामों का जिक्र है, सिर्फ कुर्बानी नस का जिक्र है। और इस रिवायत से ज्यादा हाबील की लाश के दफन से मुताल्लिक यह इजाफा है। कत्ल के बाद काबील हैरान था कि इस लाश का क्या करे। अभी आदम की नस्ल मीत से दो चार नहीं हुई थी और इसीलिए हजरत आदम कुछ ने मुर्दे के बारे में अल्लाह का कोई हुक्म नहीं सुनाया था। यकायक उसने देखा कि एक कौवे ने जमीन कुरेद कुरेद कर गढ़ा खोदा। काबील इसे देखकर चेता कि मुझे भी अपने भाई के लिए इसी तरह गढ़ा खोदना चाहिए। और रिवायतों में है कि कौवे ने दूसरे मुर्दे की को उस गढ़े में छुपा दिया। काबील ने यह देखा तो अपनी नाकारा जिंदगी पर बेहद अफसोस किया और कहने लगा कि मैं इस जानवर से भी गया गुजरा हो गया कि अपने इस जुर्म को छुपाने की भी अहलियत नहीं रखता। शर्मिंदगी और अफसोस से झुका लिया और फिर उसी तरह अपने भाई की लाश को मिट्टी के हवाले कर दिया। इस वाकिये के बयान के बाद कुरान पाक में आता है कि सर इसी वजह से लिखा हमने बनी इसराइल पर कि जो कोई कत्ल करे एक जान को बिला एवज जान के या फसाद करने की गरज से तो गोया कुल। सूरा मायदा 5:32 कर डाला उन सब लोगों को और जिसने जिंदा रखा एक जान को तो गोया जिंदा कर दिया सब लोगों को। इमाम अहमद ने अपनी मुल्नद में हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से एक रिवायत की है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका गुनाह हजरत आदम के पहले बेटे काबील की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि वह पहला आदमी है जिसने जालिमाना कत्ल की शुरुआत की और यह नापाक सुन्नत जारी की इबरत की जगह है। सूरह मायदा की जिक्र की गई आयत और ऊपर लिखी हदीस हम पर यह हकीकत जाहिर करती है कि इंसान को अपनी जिंदगी में हरगिज किसी गुनाह की ईजाद न करनी चाहिए, क्योंकि कायनात में जो आदमी भी आगे इस बिदत नए काम का इकदाम करेगा तो बिदत की बुनियाद रखने वाला भी बराबर उस गुनाह का हिस्सेदार बनता रहेगा और ईजाद करने वाला होने की वजह से हमेशा वाली जिल्लत और घाटे का हकदार ठहरेगा। नऊजु बिल्लाही मिन जालिक। हजरत आदम के इन दो बेटों का जिक्र सूरह मायदा में किया गया है। नोट, मुसन्निफ लेखक की तरतीब के मुताबिक हजरत आदम के तकीरे के बाद हजरत नूह का जिक्र किया जाता है।